एक ऐसी महिला जिसने डॉल्फिन के साथ किया सेक्स। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमेरिका की रहने वाली मार्गरेट लोअर 79 साल की हैं और वो एक फॉर्मल नेचुरलिस्ट हैं। कुछ साल पहले उन्होंने चौंका देने वाला खुलासा किया था। मार्गरेट ने बताया कि उन्होंने 20 साल की उम्र में एक डॉल्फिन के साथ सेक्स की। असल में 1960 के दशक में नासा ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके जरिए वैज्ञानिक डॉल्फिन से बात करने और संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। और मार्गरेट ने इस प्रोजेक्ट के प्रमुख से सिफारिश करके खुद का भी नाम लिखवा लिया था और कैरिबियन आइलैंड सेंट थॉमस पहुंच गई। मार्गरेट ने बताया वहाँ 3 डॉल्फिन थी, एक नर डॉल्फिन पीटर और 2 मादा डॉल्फिन पैमेला एंड सीसी। और मार्गरेट ने एक इंटरव्यू में बताया कि पीटर बहुत शरारती था और वह उम्र के उस मोड़ पर था जब उसके शरीर में कई प्रकार के बदलाव हो रहे थे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान मार्गरेट और पीटर में काफी अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और जब पीटर मार्गरेट के पास आता था तो उसका यौन उत्तेजित हो जाता था, जिस पर उन्होंने कई बार संबंध बनाए। बट मार्गरेट को कुछ ज्यादा अच्छा महसूस नहीं होता था और उन्हें खुजली जैसा प्रतीत होता था। कई बार उनके शरीर पर सेक्स के दौरान खरोंचे भी आए।